प्राणिक पदार्थों में कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत बहुत प्राणिक होती हैं। उनसे आपको जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, साथ ही वे आपकी नर्व्स यानी तंत्रिकाओं को बहुत बहुत शांत रखती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। योगिक संस्कृति में हम भोजन को तीन वर्गों में बांटते हैं, पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है, जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। तो इफ यू ईट पॉजिटिव प्राणिक फूड, एनर्जी विल रिवर्बरेट इन अ डायनामिक वे। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के तीन कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप, इस पर कई प्रयोग हुए हैं, अगर आप रोजाना एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिए तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा, साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पिएंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते थे तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। अब जबकि हम चुन सकते हैं, हमें वो चुनना है जो शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह नहीं चुनते तो हम किसी तरह जीकर चले जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। अगर ऐसी चिंताएं हैं, फिर आप इस मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डालते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।